वीडियो में बात करने वाले हैं हम NTA विश्व भारती एग्जाम एडमिट कार्ड जारी। दोस्तों आपको बताने वाला हूँ जो है एडमिट कार्ड आप कैसे डाउनलोड करेंगे एंड MTS LDC एंड LA का डाउनलोड कैसे करना है एडमिट कार्ड। तो वीडियो पर पढ़ नहीं रहे और वीडियो को पूरा देखना, जब भी आपको बताऊँगा विश्व भारती का आपको एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। दोस्तों उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मोटिव बढ़ता है दोस्तों, अच्छा भी लगता है जब आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहे। और दोस्तों प्यार ऐसे ही बनाए रखे और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए, ठीक है दोस्तों। मकसद यही रहता है कि आपके तक वीडियो पहुँचाऊँ अच्छे अच्छे बना के। तो जो भी मुझे वीडियो का कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आपके पास पहुँचाता हूँ, ठीक है दोस्तों। चलो बताते हैं आपको NTA का जो है आपको विश्व भारती का एग्जाम का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपको इस वेबसाइट का पता ही होगा सरकार रिजल्ट का। आप जैसे ही इस वेबसाइट पर आएंगे, इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको एडमिट कार्ड का फोल्डर मिल जाता है। एडमिट कार्ड का फोल्डर मिलने के बाद यहाँ पर दिख जाता है NTA विश्व भारती वॉयरस पोस्ट एग्जाम CT 2023। इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपका न्यू टैब खुल जाएगा। न्यू टैब खुलने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्ज़ाम डेट जो है 27-28 जून का 2023 का है। और MTS एग्ज़ाम डेट की बात करें तो 28 जून से 3 जुलाई का है, ठीक है दोस्तों आप देख सकते हैं। तो अभी आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्ज़ाम सिटी लिख रहा है। लाइब्रेरी एंड अटेंडेंस, लाइब्रेरी अटेंडेंस, LDC, MTS की जो है इनके तीनों के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। आप यहां पे देख सकते हैं ये जिसने ये वाली पोस्ट भरी थी उनके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। अगर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो आपको यहां पे डाउनलोड एडमिट कार्ड लिख रहा है, इसके सामने क्लिक कर लिख रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अभी आपको क्या करना है दोस्तों, इस पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है ये ब्लिंक कर रहा है ये वाला, इसी पर आपको क्लिक करना है। अगर आपका ये जो जो मैंने आपको बताया तीनों ने आपको तीनों में से कोई आपकी पोस्ट है, इनमें से तीनों में से आपकी कोई पोस्ट है तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और पेज टैब खुल जाएगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आप दो तरह से जो है अपना एडमिट कार्ड चेक कर पाएंगे, एक तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड के द्वारा एंड दूसरा है एप्लीकेशन एंड डेट ऑफ बर्थ के द्वारा। तो सबसे मैं जो हल्का है वो आपको मैं यही लगेगा, एप्लीकेशन एंड डेट ऑफ बर्थ आप से जो है एडमिट कार्ड निकाल पाएंगे। जैसे आपको यहाँ पर अपना एप्लीकेशन टाइप करना है, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर टाइप करना है, उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ थी, उसके बाद आपको ये वाला कैप्चर यहाँ पर डालना है, उसके बाद आपको क्या करना है लॉगिन साइन अप पर क्लिक करना है दोस्तों। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड पर भी कर सकते हैं, बाकी आपको एप्लीकेशन डेट ऑफ बर्थ डाल के आप एडमिट कार्ड निकाल पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो एप्लीकेशन नंबर आपको कहाँ पर मिलेगा, इसके जहाँ एप्लीकेशन नंबर आएगा वो आपको प्रिंट आउट पर मिलेगा दोस्तों। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं मैंने जो अपना एप्लीकेशन नंबर डाल दिया है, उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है। अभी इस डेट ऑफ बर्थ ये सब कुछ डालने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, साइन अप पर क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन अप पर क्लिक करेंगे दोस्तों, अब दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे मैंने ये एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ये कैप्चर डाल के साइन अप पर क्लिक करना है। साइन अप पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का जो है आपके सामने एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं विश्व भारती यहाँ पर जो है एडमिट कार्ड लिखा हुआ आ रहा है। अभी आप देख सकते हैं जो इनके एग्ज़ाम की डेट है वो 27 जून रखी गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 27 तारीख है और शिफ्ट 3 में है और इसका जो रिपोर्टिंग टाइम है 3:45 पर और 4:15 पर इनकी रिपोर्टिंग ख़त्म हो जाएगी। अगर एग्ज़ाम डेट की बात करें मतलब जो है एग्ज़ाम डेट मतलब ये टाइम है वो 4:30 से इनका एग्ज़ाम है और 6:30 तक इनका एग्ज़ाम चलने वाला है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इनका जो है एड्रेस भी लिख रखा है कहाँ पर इनका जो है होने वाला है, ठीक है दोस्तों। बाकी आप भी इस तरह से डाउनलोड कर पाना जैसे मैंने आपको बताया विश्व भारती का जो है एडमिट कार्ड, या जैसे मैंने बताया वैसे वैसे आप डाउनलोड कर लेना दोस्तों विश्व भारती का। दोस्तों अगर कुछ पूछना हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही आसान है आपको विश्व भारती का जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड करना, तो दोस्तों जल्दी से डाउनलोड कीजिए क्योंकि आपका पेपर कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है। तो जितना जल्दी आप डाउनलोड करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो जल्दी से देख लीजिए कब आपका जो है पेपर है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, जैसे मैंने आपको बताया एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने भाई को सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। और अगर कुछ पूछना हो तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे पड़ा है, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। मेल एंड फीमेल का अलग अलग है सबका,
और बाकी अगर कुछ और भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे भी मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में भी मैसेज तुरंत देने का जवाब कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए, घर वालों का ध्यान। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।